नमस्कार, आप देख रहे हैं इस वक्त की अहम खबर है कि सीवान जिला का हम पहुंचे हुए हैं स्टेशन रोड बबुनिया रोड और नियर महिंद्रा शोरूम है, यानी सीवान टेक्निक महिंद्रा शोरूम के बगल में जो आप नजारा जो स्थिति देख सकते हैं काफी दयनीय स्थिति है, यानी सीवान नगर के जो हालात है उस हालात पे यहाँ के जो स्थानीय लोग है अपना बात रखना चाहते हैं। इनका ये कहना है कि जो नाला का निर्माण हुआ है, जो नाला का ये तुराई हुआ है, यानी रात्र में जेसीबी आकर तोड़ दिया है, बिना बताए हुए इसको तोड़ा गया है और कोई इंफॉर्मेशन नहीं है कि स्थानीय जनता को कहना है, यानी कि जो ये मकान मालिक है, जो दुकानदार है, जो लोग है, यहाँ देख सकते हैं कि लोगों का कहना है कि बिना बताए हुए दुकान के आगे जो शिलाफ है, जो भी चीजें है, इसको ढाक जेसीबी से ढाक दिया गया है। अब बात करेंगे स्थानीय व्यक्ति है, क्या नाम है, क्या वजह हुआ कि आप मीडिया को बुलाए, क्या कारण है आपका, बताइए। मीडिया को इसलिए बुलाया गया है कि यहाँ काम नहीं हो रहा है सर, यहाँ खाली राजनीति किया जा रहा है। ये वार्ड जो है वार्ड नंबर 41 है, ये खाली बाई का वार्ड है, हर बार जीतते हैं, जीतने के बाद बहुत बड़ा जो है बात करते हैं, लेकिन काम आज तक नाली का नहीं हुआ। पिछले 200 साल से हम देख रहे हैं ये नाली कभी नहीं बना है, इसके आगे बन गया, इसके पीछे बन गया, कभी नाली नहीं बना है। कौन नंबर वार्ड है ये? 41 नंबर वार्ड है, यहाँ काम 41 नंबर वार्ड में काम धंधा कुछ नहीं हुआ है, पार्टी पॉलिटिक्स बहुत ज्यादा होता है। यहाँ का नाली में आप दूर से देखेंगे क्या हो गया, कल रात में जेसीबी भिजवा के यहाँ पे काम करवाया गया है, कोई आदमी नहीं था, कोई दुकानदार नहीं था, खाने कमाने वाला आदमी है, सबका बंद है, पूरा दुकान पूरा बंद कर दिया है। ये क्या करेगा भाई, ये नाला कभी बंद हो गया? कभी आज तक नहीं बना नाला, आज तक नाला ये नहीं बात से तो अभी नाला बन जाएगा, कोई आश्वासन दिया है? कोई आश्वासन नहीं है, कोई पता नहीं है कि बनेगा कि नहीं। ये हर बार चाहे इसके पहले चेयरमैन साहब थे धनंजय जी, हमको बोल के गए हैं कि अगला साल तक आपका कब लीड होगा, हम 3 साल तो नहीं है चेयरमैन, वो हट गए। अभी गुप्ता जी बारी, कौन गुप्ता जी, अभी कौन है, शिल्पी गुप्ता, अभी वो आज तक देखने तक नहीं आई है यहाँ पे, जीत गई है, चली गई, जीत के आ गई है, उनका कोई दर्शन नहीं किया आज तक। क्या मतलब ये दादागिरी हो रहा है ना भाई, कि हम लोग करना नहीं है, कुछ करना नहीं है, लेकिन तोड़ फोड़ करवा रहे हैं। कब तोड़े, कब तोड़े? कल रात के 10 बजे जब पूरा दुकानदार सोया हुआ था, किसी को कोई पता नहीं, जेसीबी ला के अंदर घुसाया गया है। उसके बाद जो लोग थे उन लोग अपोज भी किए हैं कि भैया रात में क्यों कर रहे, दिन में करो, तुम हटाएंगे सामान, हटाने का मौका नहीं दिया गया है। और दूसरा जो कितना स्लैब टूट गया यहाँ पे, देखिए कहीं ना कहीं जो स्थानीय व्यक्ति है उनका कहना है कि यह अतिक्रमण जो है या जो नाला सफाई है इसको बिन बुलाए बराती जो कहते हैं, यानी बिन बताए आकर इसको ढा देना कतई सही नहीं है, इसको इन्फॉर्मेशन मिलता, नोटिस आता है जो बता दे कि भाई ये काम होने वाला है, आप लोग को ये जो आपके सामान है हटा लीजिए या व्यवस्था कर लीजिए। यहाँ पे एक व्यक्ति है, आपका नाम क्या पड़ेगा? मेरा नाम शारिक जफर हुआ। तारिक जफर जी, क्या वजह है आप लोग इकट्ठा हुए हैं, क्या मुझे? सबसे पहली चीज है कि नगर परिषद को नाला सफाई करने का एक सिस्टम बनाना चाहिए। शायद सिवान ऐसा बिहार राज्य स्टेट में सिवान ऐसा एक शहर है जहां नाला जेसीबी से साफ होता है, बाकी बहुत सारे शहरों में देखा गया है या इसके पहले भी सिवान शहर में भी नाला कोदालियों से साफ हुआ करता था, सफाई कर्मी से साफ करते थे। अब इस ये गोरखपुर मॉडल, शायद जीवन यादव जी ने बोला था कि गोरखपुर मॉडल बनाएंगे, तो शायद ये गोरखपुर मॉडल ही हमको लग रहा है, सिवान अब गोरखपुर मॉडल के पैटर्न पे दौड़ चला है। अच्छा अच्छा, कि जेसीबी से नाला साफ होता है, आप जैसे देख सकते हैं छोटे छोटे दुकानदार है, तो ये उनके अंदर में आते हैं, वो बनवा रहे हैं क्या? अब ये कौन कर रहा है, आप कैसे कर सकते हैं, मतलब कौन कर रहा है? जो शिल्पी गुप्ता जी है वो जीवन जी के सहयोग से ही चेयरमैन बनी है। अच्छा, तो आम पब्लिक जीवन यादव को ही वोट दिया और जीवन यादव को ही अपना चेयरमैन मानता है। अच्छा, मतलब जीवन यादव के नाम पे ही अपने सभी के तरफ? जी हाँ जी हाँ, हम लोगों ने जीवन यादव को ही वोट हम लोग एज ए चेयरमैन दिए। तो आप लोग का मान जीवन यादव से है? नगर परिषद से मेरा है कि ये जो तरीका है नाला साफ करने का, हाँ। ये एकदम कतई गलत तरीका है, और खास करके जो रात बिरात में ये नाला साफ हो रहा है जेसीबी वगैरह से, आप देख सकते हैं छोटे छोटे दुकानदार हैं, उनका सामान का क्षतिग्रस्त हुआ है, इसका भरपाई कौन करेगा? तो आप लोग का मांग मतलब क्या है कि नाला सफाई हो रहा तो नहीं हो जाए? नहीं, नाला सफाई हो, लेकिन ये जेसीबी से नाला सफाई करने का तरीका गलत है, लोग का स्लेब तोड़ा गया, आप देख सकते हैं पान वाले की दुकान, उनका गुमटी का तोड़ दिया गया है, वहाँ होटल वाले हैं, उनका सारा कल वगैरह का स्लेब तोड़ दिया गया है,
तो ये चीज एकदम सरासर गलत तरीका है। अगर इससे भी किया गया और भी कहीं किया गया है। आप महिंद्रा के पास देखिए, वहाँ पे महिंद्रा में आने जाने का एक स्लेब भी नहीं है, उन्होंने सुबह उनके साथ आया तो खुद ही एक स्लेब भी रखे हैं। अच्छा, महिंद्रा से लेके नाला बना हुआ था क्या? नाला बना हुआ है, नाला बना हुआ है, आप देख सकते हैं ये नाला बना हुआ है। ये थोड़ा सा नहीं हुआ है, दुकानदार हैं, जब आप क्या कहेंगे, किस तरह का ये मतलब जो प्रवृत्ति हुआ है, क्या कारण है इसका? ये कारण जेसीबी से मतलब समझ लीजिए कि बेतुके तरीके से इसकी सफाई किया गया, जिसकी वजह से सारा नाला तोड़ दिया गया है। उनका काम है कि बस अब आए, फॉर्मेलिटी किए कि बस नाली किसी तरह सफाई करनी है। उनको किसी से मतलब नहीं कि इनका घर में जाने का रास्ता बचेगा या नहीं बचेगा। दुकानदार भाई का वो अभी तक कोई मतलब चांस नहीं दिख रहा है, माल छोड़ दीजिए। ये तरीका जो है कि बस आना सफाई कर देना और बेतुके, अभी क्या तरीका है, किसी तरह सफाई हो रहा है, पानी उसी तरह दिख रहा है, नहीं ना क्या सफाई हुआ है। आप वहाँ जूनी सर के पास जाइएगा, वहाँ का फोटो लीजिएगा, पानी लगा हुआ है। मतलब ये कोई तरीका नहीं, आप सफाई करिए, हम लोग सफाई से सहमति है, लेकिन कहने मतलब आप रास्ता छोड़िएगा, उनका क्या हाल है बेचारे का? देखिए, हो सकता है कि ये रास्ते में जाए तो ये स्लैब नीचे भी जा सकता है। दिखाइए दिखाइए सहयोगी, मेरे कैमरा में दिखाइए, हमारे साथ जो वक्त दिखा रहे हैं इस वक्त की, दिखाइए अभी अपने पैसा लगा कर ये दुकानदार और सभी सारे लोग अपना अपना पैसा लगा कर साफ सफाई किए, तब जाके वो रास्ता बना है, वो अपने पैसे लगा रहे हैं। अभी हालात देखिए, ये तरीका है, ये पैसे कौन लगाएगा? आप लगाए से, ये तरीका है। अब बताइए कहाँ रास्ता बचा है बेचारे का? दुकानदारी आज दिन भर से नहीं हुआ है, आपको क्या नहीं है? क्या खाएगा अपने बेटा बेटी, क्या खाएगा? रोजा पड़ेगा हमको, बिल्कुल हो रहे हैं, आज उपवास है हम, मेरा दुकान बंद है, कौन इसका जिम्मेदार है? एक ही बार कोई देखने आया है यहाँ पे? मतलब बिना बताए हुए दुकान का यही ना हुआ है रात को 10:30 बजे? क्या होता है, ये अत्याचारियों में है आम आदमी के साथ। इन्हें सफाई कीजिए, लेकिन बता कर दीजिए, बता दीजिए हमको, थोड़ा सा रास्ता दीजिए, और जगह जल्दी जाइए। अतिक्रमण किया होंगे तो नहीं, अतिक्रमण नहीं है, नाले से अंदर मेरा दुकान है। आपके कैमरे का मजा रहे की अतिक्रमण नहीं है, नाला के सारे लोग पीछे ही है, अतिक्रमण नहीं है, पीछे है। दुकान बंद है ना? दुकान बंद है। तमाम लोगों का कहना है कि दुकानदारी बहुत ठप कर चुका है, इसके वजह से ये रात में हुआ, ये रात को 10:30 बजे करीब में हुआ है। आप ही बताइए, और अचानक क्या चले गए लोग? चले गए लोग, ड्राइवर भी उनका नशा में था, तो किसी का बात नहीं सुन रहा था। यहाँ का स्थानीय लोग बोले तो आराम से करो, तो किसी की बात नहीं सुन रहा था। ऐसा कोई होता है? अभी चले जाने में दिक्कत हो रहा है हमको, सुबह 2 आदमी उसमें गिर गया, हम लोग उठा के उसको नाला धोला के उसको घर देते हैं, सफाई कर पाए। 2 आदमी सुबह उसमें गिरा है नाले में। क्या मांग करेंगे आप लोग, क्या मतलब मांग करेंगे? मांग यही करेंगे 24 घंटे के अंदर इसको हल किया जाए। बस अनुराधा गुप्ता हो, चाहे सेम्पी गुप्ता हो, अच्छा जो भी हो चेयरमैन, उसका हल किया जाए। हर एक साल के बाद यही है। स्थानीय जनता कहना है कि जो यहाँ के चेयरमैन है, जो वार्ड है, जो उप चेयरमैन है, सबको आंखों में ये दिखना चाहिए कि भाई आप सिवान की जनता के लिए चुनाव जीते हैं, वोट मांगकर चुनाव जीते हैं, और बोले हैं कि सिवान का विकास करेंगे, तो जल्द से जल्द विकास करें, क्योंकि स्थानीय जनता एक भी जनता का परेशानी में होती है तो परेशानी में है। यानी कि आपका कहना जो होता है कि चुनाव जीतेंगे तो काम करेंगे, तो काम करिए। और देखिए, ये जो विकास का नाम पे अभी एमपी का चुनाव बीता हुआ है, उसके चेयरमैन चुनाव बीत गया, ये तमाम लोगों का कहना है कि जनता का जो मतलब मूड है, कहीं ना कहीं उस आधार पे हमें वोटिंग किए ताकि जनता का विकास हो। क्या कहेंगे ये विकास ये हुआ तो कहना पड़ी? देखिए, हम सब रोड पर फेंक देंगे, लोग रोड जाम कर देंगे, लोग कोई फल नहीं निकलेगा, फिर फेंक देंगे, रोड जाम करेंगे हम लोग। मान लीजिए हमारी दुकान के आगे रोड है, चलिए कैसे देखिए। देखिए ये दुकानदार भाई है, जब मेरा डर भी लग रहा है कि हम बंद गिर मत जाए। देखिए, रात का समय है, शाम का समय है, ये किसी तरह से दुकान भाई तो जी यहाँ दुकान है? हाँ, हमारा दुकान है। मतलब ये टूट गया है एकदम, जेसीबी के द्वारा इसको अस्त व्यस्त किया गया है। इस तरह का सफाई होता है कहीं? एकदम बिल्कुल, कल भी बंद रहेगा अगर सफाई नहीं होगा। हम बस 500 रुपए कमाते हैं, किसी तरह अपना जीविका चलाते हैं परिवार को। मान लीजिए कोई भी इंसान 500 कमाता है, उसमें 400-500 डेली खर्चा होता है, परिवार भुखे सोएगा, सोएगा कहाँ से लाएंगे हम? रोज कमाने खाने वाले आदमी, हमारा जीविका कैसे चलेगा बताइए? आप देखिए आराम से, हम गिरे मत ना, तो मतलब आपका जीविका बंद है ना? एकदम जीविका बंद, दिन बंद रहेगा ये। अब कब तक ये ठीक नहीं होगा? तब तक बंद रहेगा, जब तक ये ठीक नहीं रहेगा तब तक बंद रहेगा। कोई नहीं आया था, कोई देखने भी नहीं आया था,
कोई बातें नहीं कर रहा है, ना कोई आ रहा है देखने के लिए। हम लोग खबर दिए हैं म्युनिसिपैलिटी में, रात को कितना बजे जेसीबी आया था? 10:30 बजे करीब में आया था। क्या क्या हुआ? वही जेसीबी लगाकर अब मनमानी तरीके से सफाई उफाई किया है लोग। चलिए देखिए स्थानीय में कहना है कि हम दुकान चलाते हैं, आज बंद हो गया कल भी बंद रहेगा, सफाई नहीं होगा तो क्या कर सकते हैं। देखिए भाई, हम अपने माध्यम से अपील करना चाहते हैं, जो भी जिला प्रशासन के लोग हैं या जो नगर परिषद के लोग हैं, जो भी चेयरमैन है, जो भी यहाँ के स्थानीय विधायक है, या जो भी मतलब चेयरमैन है, जो भी उप चेयरमैन है, जो भी यहाँ के वार्ड है, कि आप लोग को अगर आपके बस में बात है तो जल्द से जल्द इसको सफाई करवा कर दुकानदारों के लिए कुछ मुहिम करा दे, दुकानदार चलाए अपना और रोजी भी चलाते हैं। हम लोग ये चाहते हैं, जनता ये चाहती है कि अगर सफाई हो रहा है तो सफाई अच्छे से किया जाए और सफाई करने के पश्चात उसे तुरंत उठाया जाए। एक व्यक्ति मान रहा हम एक और बात बोलना चाह रहे हैं, ये क्या चीज है? जेसीबी हटवा रहे हो तो इसको लगवाएगा कौन? जो स्लैब की झूठी हटा रहा है वो कौन लगाएगा स्लैब? ये जो आप जेसीबी हटवा दिए लगा दिए, इसको लगाने वाला कौन है? हमारे परिषद के बारे में क्या कहेंगे? सिवान नगर वहाँ घटिया परिषद है, यहाँ के लोग खाली राजनीति करते हैं और घपलाबाजी हो रही है, फंड का दुरुपयोग किया जा रहा है यहाँ पे। हमारे वार्ड में तो ये हो ही रहा है, आज से नहीं हो रहा, पर 10 साल से ये चीज हो रहा है, काम कुछ नहीं होता है। वोट मांगने के लिए सभी आ जाएंगे हमारे गेट पे, लेकिन इस एरिया में कहीं काम नहीं होता है। जो स्थानीय जनता है जो ध्यान आकर्षित कर रहे हैं, प्रशासन चाहती की इसके ऊपर ध्यान दिया जाए। डीएम साहब से भी अगर ये डीएम साहब के पास पहुंचता है तो इसके ऊपर तुरंत एक्शन लिया जाए, और अगर नहीं कर पा रहे तो बर्खास्त कीजिए ऐसे लोग को, चाहे वो चेयरमैन हो चाहे वार्ड पार्षद हो, काम करने के लिए उनको वोट दिया जा रहा है। पैसे का अभाव नहीं है, पैसे का अभाव कुछ नहीं है, काम की इच्छा शक्ति होनी चाहिए, काम नहीं करना चाहते हैं तो कुछ नहीं होता है। हमारे खाली जो आई थी, लेकिन बोर्ड पर नेता लोग बोल रहे हैं जो है इतना काम हुआ है कि 15-20 साल में नहीं हुआ, तो पता चल रहा है ना, ये तो दिखाई दे रहा है, ये आप लोग को भी दिखाई दे रहा है ना। हम लोग तो बोलने की क्या जरूरत है, आप दिखा रहे हैं, आप लोग मीडिया वाले ज्यादा मेटर समझ रहे हैं ना। इतना मॉडल काम हुआ है, ये दिखाई दे रहा है ना। आज से 30 साल देखिए, अभी जिस तरह आपका चेयरमैन का दावा है कि सिवान शहर में सबका का काम हुआ है, तो आप मीडिया कर्मी है और जो अधिकारी सिवान प्रशासन से है वो भी रेलवे जंक्शन आ रहे हैं जा रहे हैं, जो विकास हुआ है सिवान, आप ये महेंद्र शोरूम बमनिया रोड होते हुए आप जंक्शन की तरफ भी जाएंगे तो विकास आपको दिखाई देगा कि कैसे जल जमाव का विकास है। यही शायद विकास है, और नगर परिषद इसी को विकास कहता है। नगर परिषद करना चाहते हैं कि आप खोले और देखें कि ये गंदा पानी जो जल जमाव का है ये विकास नहीं है, ये नरक है। यानी एक साल का जो कार्यकाल रहा है नगर परिषद का, जो अभी नया जो मतलब प्रशासन बना हुआ है, आप लोग नाराज होते? एकदम नाराज है। आप देखिए जैसे सुकुल टोली में या और भी 2-4 मोहल्ले में नाला बनाया गया है, वो रोड ऊंचा बनाया गया है मकान को नीचे करने के लिए। आप बताइए कि हर साल अगर रोड और नाला ऊंचा किया जाएगा तो लोग घर कैसे बनाएंगे और कैसे रहेंगे और कब तक घर बनाते रहेंगे? घर नाला की तरह से नहीं है कि 2-3 लाख लगा के नाला बना लेंगे। घर में लोग अपने जीवन का पूंजी लगा के एक मकान बनाता है और उस मकान को नगर परिषद झटकों में नीचा करके डाउन। देखिए कहीं ना कहीं जो स्थानीय जनता है, क्या है जिला प्रशासन या और भी लोग इसको सुने और जल्द से जल्द इसे पूरा करें। क्या कहिएगा आप? हमारे लक्ष्मीपुर घर बा, तो कितना जल्दी होके कहूँ चलो हम रोजी रोटी चले, क्या मांग करेंगे जल्दी जल्दी? अब ज्यादा ज्यादा ध्यान कर रहे हैं कि प्रशासन आके यहाँ पे एक्शन ले, हमें किसी से कोई गिला शिकवात नहीं है, काम होना चाहिए। आप जीते हुए हमारे जनप्रतिनिधि हो, काम करो भाई, काम अगर करोगे तो आगे भी ये होगा, नहीं तो अदरवाइज कोई नहीं देने जा रहा है। देखिए स्थानीय जनता कहना है कि यहाँ के जो भी चेयरमैन है, वार्ड है, पार्षद है या उप चेयरमैन है, सबको आंखों में दिखना चाहिए कि जो स्थानीय जनता है उनकी परेशानी को वो देखे और परेशानी को दूर करें। क्या कहेंगे? ये जो परेशानी है आपको हो रहा है? जी बहुत ज्यादा परेशानी हो रहा है। ये दुकान बंद है आपका? जी ये दुकान आपका? नहीं मेरा दुकान है, मैं यहाँ पे आया हूँ कुछ काम करने के लिए। बताइए अभी देखिए, ये नाला जब फुल हो जाता है तो मकान के अंदर में पानी चला जाता है, हर साल हमको आगे इनका काम करना पड़ता है। काम करना पड़ता है, मेरा मोटर जल गया है इनके कारण।
ये पानी के कारण है। अभी कल परसों पानी हुआ है, पूरा अंदर घुसा, मेरा मोटर नया अभी लगवाए हैं, आज लगाए हैं। तो इसकी कहीं ना कहीं जनता का परेशानी है, इसको मद्देनजर देखते हुए जो यहाँ के स्थानीय व्यक्ति हैं, जो स्थानीय लोग हैं, उन सबका मांग है कि जिला परिषद इस पर ध्यान दे और स्थानीय जो चेयरमैन है, उप चेयरमैन या जिला परिषद के लोग है या विधायक है या जो भी यहाँ के पार्षद है, वो देखे और इस समस्या को जल्द से जल्द दूर करे ताकि स्थानीय लोग को जीवन में एक खुशहाली आए।